नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य खबरों में, बीते दिनों मणिपुर में आयोजित 5वीं जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बालिका वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त व रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली BLS राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एंचोली में कक्षा 11 की छात्रा कोमल मेहता के विद्यालय पहुंचने पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी वल्दिया सहित स्टाफ ने कोमल को शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न कराए जाने, पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष जितेंद्र वल्या की अगुवाई में शिक्षकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहां भेंट की और मांगों को लेकर उचित कार्रवाई का एक पत्र भी सौंपा। इस दौरान CM धामी ने मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पत्र सौंपने वालों में JP वर्मा, ललित बसेड़ा, त्रिलोचन जोशी, हरीश पंत, कविंद्र लाल, शेखर शर्मा, मनोज कुमार, अंशुमन पंत, राजेंद्र जोशी, युगल पांडे सहित अन्य शिक्षक शामिल थे। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग विश्राम गृह में विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्चों व NCC कैडेट्स और खिलाड़ियों से वार्ता की। इस दौरान CM ने बच्चों से विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने को लेकर मौजूद बच्चों द्वारा अपने अपने सुझाव भी दिए गए। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं को लेकर सुधार की आवश्यकता है, पर विद्यार्थियों में आगे बढ़ने का हौसला है तो वे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। कहा कि विद्यार्थियों का जीवन अमूल्य है, अपना पूरा ध्यान शिक्षा ग्रहण करने में दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा, विधायक बिशन सिंह चौहान, आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत, जिलाधिकारी रीना जोशी, SP लोकेश्वर सिंह आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के पुलिस लाइन स्थित न्यू बिरसा स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक समारोह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ संपन्न हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा व भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विद्यालय के प्रबंधक भुवन भाकनी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ममता मेहता सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय के BEd विभाग में रविवार को शिक्षा, साहित्य, संस्कृति की वैश्विक भूमिका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हो गया। संगोष्ठी का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि NCERT नई दिल्ली की प्रोफेसर उषा शर्मा व स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य पुष्कर सिंह बिष्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपने विचार व्यक्त किए। SSJ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भीमा मनराल ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर बल दिया। इस दौरान पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर सरता मोहन, उपनिदेशक प्रोफेसर RS पाकुनी, प्रोफेसर बीना शर्मा, मानस अकेडमी के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंत सहित अन्य अतिथियों ने संगोष्ठी विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनको आत्मसात करने की बात कही। इस अवसर पर प्रोफेसर CT सूठा, प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर संगीता पवार, डॉक्टर लीना सरीन, डॉक्टर रिजवाना सिद्दीकी, डॉक्टर GC पंत, डॉक्टर विभिन्न पाठक, डॉक्टर SK आर्य, डॉक्टर DS डौडियाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। शव यात्रा में शामिल होने आए युवक को नदी के तेज बहाव में बहने से पुलिस व स्थानीय लोगों ने बमुश्किल बचा लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को पांकू क्षेत्र के बडोरा गाँव से एक शव यात्रा थल सौदाह के लिए आई थी। सौदाह के बाद शव यात्रा में शामिल लोग रामगंगा नदी में नहा रहे थे। इस दौरान संतोष राम, उम्र 45 वर्ष, अचानक से नदी के तेज बहाव में आकर बहने लगा। कुछ दूर आगे एक चट्टान पर अटक गया। व्यक्ति के बहने से शव यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस टीम में उपकरणों के घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से समय पर बमुश्किल संतोष राम को रामगंगा नदी से सकुशल निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस। रेस्क्यू टीम में SCP मोहन बरदोला, आरक्षी हरीश वर्मा, पूरन नेगी, शंकर देवड़ी, जयराज सिंह, प्रदीप कन्याल तथा स्थानीय ग्रामीणों में सचिन सिंह, महेश प्रसाद व जोगाराम आदि शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।